आज कवर करते हैं कॉरपोरेट ईमेल एटिकेट्स। जनरल में ग्रामर, स्पेलिंग और सिली थिंग्स जो होता है वो आप चेक कर लीजिएगा सेंडर्स नेम और मेल आईडी करेक्ट है कि नहीं। सीसी चेक कीजिएगा, सीसी का मीनिंग होता है कॉटसी कॉपी, जो नॉर्मली सीनियर और इमीडिएट मैनेजर उनको रखा जाता है। और एक चीज होता है बीसीसी, इसका मीनिंग होता है ब्लाइंड कॉटसी कॉपी, जस्ट अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके इसको नहीं रखना चाहिए। जो सब्जेक्ट लाइन होता है क्रिस्प एंड क्लियर रहना चाहिए और रिलेटेड भी रहना चाहिए, और एक कॉन्टेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। सल्यूटेशन में डियर, हाय, हेलो रह सकता है, बट कैजुअल वर्ड्स लाइक हे ये नहीं रह सकता है। ईमेल बॉडी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, रीजन ऑफ राइटिंग रहना चाहिए और क्लोजिंग रहना चाहिए। अपने प्रीसेट सिग्नेचर को ट्राई कीजिएगा कि एडिट ना करें, सिग्नेचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। नाम, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, इतना होना चाहिए। कंपनी का कोई नोट है, एग्जीबिशन या फिर कुछ सर्कुलर है जो कंपनी पॉपुलर करना चाहती है, पब्लिक में डालना चाहती है, वो ईमेल बॉडी के नीचे रह सकता है। अटैचमेंट, प्रोफेशनल नेम रहना चाहिए अटैचमेंट का, कैजुअल लैंग्वेज नहीं रहना चाहिए अटैचमेंट में। अटैचमेंट का साइज जो है लिमिटेड होना चाहिए, अलग अलग मेल्स के अलग अलग साइज कंटेंट होते हैं जितना वो अलाउ करते हैं अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट का नाम टू लेंथी या फिर टू मेनी वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जितना हो सके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव ईमेल्स, आपको सेंड करने से पहले बहुत केयरफुल रहना चाहिए, वर्ड ऑफ कॉशन रखना चाहिए, क्या वर्ड आप लिख रहे हैं वो सही है नहीं है, गलत तो कुछ नहीं लिख दिए। सेंड करने से पहले 3 बार रेसिपिएंट्स का नाम को देखिएगा वो करेक्ट है कि नहीं, उसके बाद ही सेंड कीजिएगा, उससे पहले हिट बटन मत दबाइएगा। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे हैवी यूज कॉमा का, कॉलोन्स का, सेमी कॉलोन्स का, डॉट्स का, एक्सक्लामेशन मार्क का, ये सब का हैवी यूज नहीं होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क अगर आप यूज कर रहे हैं सोच समझ के यूज कीजिएगा जहाँ जरूरत है, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट। कुछ एब्रीवेशंस हैं, जस्ट लाइक यू आर, योर, GR8, ग्रेट, इसको अच्छे से क्लियरली लिखिए। शॉर्ट फॉर्म ये एब्रीवेशन ईमेल एटिकेट्स के खिलाफ है। एक्सेप्टेड एब्रीवेशंस क्या क्या होते हैं, PFA, प्लीज फाइंड अटेस्ट, FYIP, फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्लीज, FYNA, फॉर योर नेसेसरी एक्शन, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, ये सब अलाउड है। इमोजीज को टोटली अवॉइड कीजिएगा, ये बहुत अनप्रोफेशनल दिखता है। ईमेल बॉडी को चेक करने के लिए F7 प्रेस कीजिएगा, उससे वो कुछ इनकरेक्ट वर्ड है या फिर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक है वो फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट इज फॉन्ट्स एंड टोन्स, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वर्धना एटसेट्रा। एक्स्ट्रा फैंसी फॉन्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल कलर और मल्टीपल फॉन्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। फॉन्ट्स नॉर्मली 10-12 रहता है, कहीं कहीं 14 भी होता है, नॉर्मली 10-12 रहता है। कलर्स में ब्लैक एंड ब्लू कलर्स आर एक्सेप्टेड, रेड कलर एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत लोग यूज करते हैं बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आप बोल्ड या फिर अंडरलाइन कहीं कहीं जहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए जरूरत है यूज कर सकते हैं। बिग पैराग्राफ को अवॉइड करना चाहिए और नंबर्ड फॉर्म में या फिर बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए। इनलाइन इमेज कुछ बॉडी में कुछ लोग रख देते हैं, इनलाइन इमेज को अवॉइड करना चाहिए। मेल को कभी भी ऑल कैप्स में नहीं लिखना चाहिए, ये साउटिंग जैसा लगता है। अपना ह्यूमर को मेल बॉडी में एक्सप्रेस करने में बहुत कॉशस रहना चाहिए, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, मजाक मूड में हो, ह्यूमर मूड में हो, वो रेसिपिएंट हो सकता है उसको उसी तरह से परसीव ना करे, वो अलग कुछ समझ सकता है। कल्चरल न्यूसेंस को अवॉइड कीजिएगा, इमोशनल या सार्कास्टिक ईमेल्स नहीं रहना चाहिए मेल बॉडी में। मेल लिखते समय अपना टोन को जरूर आप परख लीजिएगा आप किस टोन में लिख रहे हैं। रेस्पॉन्ड 24 आवर्स के पहले करने का आप ट्राई कीजिएगा, ये एटिकेट्स है। कभी रिप्लाई कर रहे हैं तो बिगिन विद अ थैंक यू। ईमेल्स को प्रायोरिटाइज करना होता है, पहले जो प्रायोरिटी में है उसे आप रेस्पॉन्ड करें, अर्जेंट मेल को फर्स्ट रेस्पॉन्ड करें। मेल में टू या सीसी रखते समय ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे सीनियर है वो पहले लेफ्ट में, उसके बाद सीनियर, उसके बाद सबोर्डिनेट या उनके जूनियर्स, ऐसे कॉर्पोरेट रैंक मेंटेन करके रखिएगा। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।